ऋषि पंचमी व्रत की कथा, विधि और महिमा। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। महादेव जी कहते हैं, पृथ्वी, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा, भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला और सुख सौभाग्य को देने वाला है। उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। शिव विष्णु बोले, महाबाहु शिव पूर्व काल में देवशर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्व अध्याय में ही लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन एवं दान प्रतिग्रह रूप छह कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा मान था। वे पुत्र, पशु और बंधु बांधव सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम भगना था। वे भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या और व्रत पालन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे दूसरे नए बर्तन मंगाते तथा उन सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पाक तैयार कराते थे। वह पाक 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला होता था। पाक तैयार होने पर वे पृथक पृथक ब्राह्मणों को बुलवा भेजकर बुलाते थे। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेदपाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्रवर देव शर्मा ने अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन करके विधिपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया और विशेषतः मिष्ठान के साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करने के लिए परोसा। साथ ही विधिपूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबुल निवेदन किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तत्पश्चात अपने सगोती, बंधु बांधव तथा और भी जो लोग भूखे थे उन सबको ब्राह्मण ने विधिपूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठे उस समय उनके घर की कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे। देवी बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनी और समझी। फिर मन ही मन वे इस प्रकार सोचने लगे, ये साक्षात मेरे पिता हैं जो मेरे ही घर के पशु हुए हैं तथा यह भी साक्षात मेरी माता है जो देवयोग से कुतिया हो गई है। अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं। इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करने लगे। प्रातःकाल होने पर वे ऋषियों के समीप गए। वहां वशिष्ठ जी ने उनका भलीभांति स्वागत किया। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने आने का क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ तथा आज ही मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गई क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मण को भोजन कराया तथा समस्त कुटुंब के लोगों को भी भोजन कराया। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहाँ एक बैल रहता है वहाँ जा उसे पति रूप से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी, स्वामिन, आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगलकर दूषित कर दिया। यह मैंने अपने आंखों देखा है। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई।
सोचने लगी, इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यूं विचार कर मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा, मेरा अंग भंग हो गया। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ। कुतिया के दुख का अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्वजन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान किया है, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक नहीं रखा। इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ। इन दोनों का यह कथानक सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुनिश्रेष्ठ, मुझे तभी से बड़ी चिंता हो रही है। मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला हूँ, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में कुशल हूँ, फिर भी मेरे माता और पिता को महान दुख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँ? यही सोचता विचारता आपके पास आया हूँ, आप ही मेरे कष्ट को दूर कीजिए। ऋषि बोले, ब्राह्मण, उन दोनों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसे सुनो। ये तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंडिन नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादों के महीने में पंचमी तिथि आई थी। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे थे, इसलिए उन्हें पंचमी के व्रत का ध्यान न रहा। उनके पिता की क्या तिथि थी, उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गई थी, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार नहीं किया, अतः उसी पाप से उसको अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा है, तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्म से बैल हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुने, मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइए जिसके सेवन से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, भादों के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखरे तथा ब्राह्मण के घर पर जाकर स्नान करें, फिर अपने घर आकर गोबर से लीपकर मंडल बनाएं, उसमें कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिन्नी के चावल से भर दें। उस पात्र में यज्ञोपवीत सुवर्ण तथा फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले सात ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सब का आवाहन करके पूजन करना चाहिए। तिन्नी के चावल का ही नैवेद्य लगाएं और उसी का भोजन करें। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधिपूर्वक ऋषियों का पूजन करना चाहिए। पूजन के समय ब्राह्मण को दक्षिणा और घी के साथ विधिपूर्वक भोजन सामग्री का दान देना चाहिए, तथा समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होना चाहिए। फिर विधिपूर्वक महात्म्य कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबको पृथक पृथक धूप, नैवेद्य, दीप निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, ऋषयः सन्तु मे नित्यं व्रत सम्पूर्णकारिणः पूजां गृहन्तो मद्दतां ऋषिः अभ्यस्तु नमो नमः। पुलस्य पुलश्चैवः क्रतु प्राचेतस्तथा वसिष्ठः मरीचः अत्रे अर्घ्यं गृहन्तु वो नमः। ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हूँ, वे मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। पुलस्त्य पुलह क्रतु प्राचेतस वसिष्ठ मरीच और आत्रे ये मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है।
इस प्रकार मनोरम धूप द्वीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। वत्स, पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्ग दोष से जो कष्ट होता है उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने पिता माता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से वे दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग से चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मण के लिए बताया गया है, किंतु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वे सभी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। पार्वती बोली, भगवान, सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। सुश्रेष्ठ, जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्य को अभिचार अर्थात मारण उच्चाटन आदि तथा कृत्य आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार न होना पड़े उसका मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, पार्वती, जिन लोगों ने व्रत उपवास और नियमों के पालन द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट कर लिया है वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत पुण्य दान तप तीर्थ सेवन देव पूजन तथा अधिक मात्रा में अन्नदान नहीं किया उन्हीं लोगों को सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से अरोग तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर ना कभी मानसिक चिंता सताती है, ना रोग होता है, ना विष तथा ग्रहों के कष्ट में बंधना पड़ता है और ना कृत्या के ही स्पर्श का भय रहता है। श्री जनार्दन के प्रसन्न होने पर समस्त दोषों का नाश हो जाता है। सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष बन जाता है, जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है। उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या अभिचारक कष्ट नहीं होता तथा उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की है उसे भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। पार्वती बोली, भगवान, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना न करने के कारण दुख भोग रहे हैं उन दुखी मनुष्यों के प्रति सब प्राणियों में सनातन वासुदेव को स्थित देखने वाले समदर्शी एवं दयालु पुरुषों का जो कर्तव्य हो वह मुझे विशेष रूप से बताइए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, बतलाता हूं, एकाग्रचित होकर सुनो। यह उपाय रोग दोष एवं अशुभ को हरने वाला तथा शत्रुजनित आपत्ति का नाश करने वाला है। विद्वान पुरुष शिखा में श्रीधर को, शिखा के निचले भाग में भगवान शिखर का, केशों में ऋषिकेश का, मस्तक में परम पुरुष नारायण का, कान के ऊपरी भाग में श्री विष्णु का, ललाट में जलशाई का, दोनों भौहों में श्री विष्णु का, भौहों के मध्य भाग में श्री हरि का, नासिका के अग्र भाग में नरसिंह का, दोनों कानों में अर्णवैश्य अर्थात समुद्र में शयन करने वाले भगवान का, दोनों नेत्रों में पुंडरीकाक्ष का, नेत्रों के नीचे भूधर अर्थात धरणीधर का, दोनों गालों में कलिकनाथ का, कानों के मूल भाग में वामन का, गले की दोनों हंसलियों में शंखधारी का, मुख में गोविंद का, दांतों की पंक्ति में मुकुंद का,
जीभा में वाणीपति का, ठोड़ी में श्रीराम का, कंठ में वैकुंठ का, बाहुमूल के निचले भाग अर्थात काख में बलघन का, बल नामक दैत्य के मारने वाले, कंधों में कंसघाती का, दोनों भुजाओं में अज अर्थात जन्म रहित का, दोनों हाथों में शांग्र पाणि का, हाथ के अंगूठे में संकर्षण का, अंगुलियों में गोपाल का, वक्षस्थल में अधोक्षज का, छाती के बीच में श्रीवत्स का, दोनों स्तनों में अनिरुद्ध का, उदर में दामोदर का, नाभि में पद्मनाभ का, नाभि के नीचे केशव का, लिंग में धराधर का, गुदा में गदाग्रज का, कटी में पीतांबर धारी का, दोनों जांघों में मधुद्वीट अर्थात मधुसूदन का, पिंडलियों में मुरारी का, दोनों घुटनों में जनार्दन का, दोनों घुटनियों में फणीश का, दोनों पैरों की गति में त्रिविक्रम का, पैर के अंगूठे में श्रीपति का, पैर के तलवों में धरणीधर का, समस्त रोमकूपों में विश्वक सेन का, शरीर के मांस में मत्स्य अवतार का, मेदे में कुर्मा अवतार का, वसा में वराह का, संपूर्ण हड्डियों में अच्युत का, मज्जा में द्विजप्रिय अर्थात ब्राह्मणों के प्रेमी का, शुक्र अर्थात वीर्य में श्वेतपति का, सर्वांग में यज्ञ पुरुष का, तथा आत्मा में परमात्मा का न्यास करें। इस प्रकार न्यास करके मनुष्य साक्षात नारायण हो जाता है। वह जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु रूप से ही स्थित रहता है। तद वक्ष्यामि सुरश्रेष्ठे समाहित मना शुणु रोग दोषा शुभ हरम विदिव्रा पद विनाशनम शिखायाम श्रीधरम नयस्य शिखाध श्री करम तथा ऋषि केशम तु केशेषु मूर्धनि नारायणम परम उधर्व श्रोते नये से द्विष्णु ललाटे जलशायिनम विष्णुं वेई भ्रूयुगे नयस्य भ्रूमध्य हरिमेव च नरसिंह नासिकाग्रे। शांति कराने वाले पुरुष मूल सहित शुद्ध कुशों को लेकर एकाग्रचित हो रोगी के सब अंगों को झाड़ें। विशेषतः विष्णु भगत पुरुष रोग ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्य की अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगियों की इस प्रकार शुभ शांति करें। पार्वती, कुश से झाड़ते समय सब रोगों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम परमार्थ स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्मा को नमस्कार है। वाराह नरसिंह और सुखदाई वामन भगवान का ध्यान एवं नमस्कार करके श्री विष्णु के उपर्युक्त नामों का अपने अंगों में न्यास करें। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहें, मैं पाप के स्पर्श से रहित शुद्ध व्याधि और पापों का अपहरण करने वाले गोविंद पद्मनाभ वासुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। तीन पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमण करने वाले राम, वैकुंठ धाम के अधिपति, बद्रिकाश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, वाराह नृसिंह वामन और उज्ज्वल रूपधारी हयग्रीव को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है। नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले सचिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी श्री केशव को नमस्कार है। कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार है।
पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है। अपनी एक दाढ़ पर समूचे पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्तिपति वराह को नमस्कार है, जिसके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है। ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नृसिंह आपको नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से लक्षित होने वाले परमात्मन, अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके भी समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप लेने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत बड़ी दाढ़ वाले भगवान वराह, संपूर्ण दुखों और समस्त पाप के फलों को रौंद डाली, पाप के फल को नष्ट कर डाली। विकराल मुख और दांत वाले, नखों से उद्दीप्त दिखाई देने वाले पीड़ाओं के नाशक भगवान नृसिंह, आप अपनी गर्जना से इस रोगी के दुखों का भंजन कीजिए। प्रभु इच्छानुसार रूप धारण करके पृथ्वी आदि को धारण करने वाले भगवान जनार्दन अपनी ऋक, यजु और साममय वाणी द्वारा इस रोगी के सब दुखों की शांति कर दें। 1, 2, 3 या 4 दिन का अंतर लेकर आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, सन्निपात से होने वाले तथा आगंतुक ज्वर को विदीर्ण कर उसकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद उसे सदा के लिए शांत करें। नेत्र का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, अनुच्छ्वास अर्थात सांस का रुकना, महाश्वास सांस का तेज चलना, परिताप अर्थात ज्वार, वेपथु अर्थात कंप या जुड़ी, गुदा रोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह आदि भयंकर रोग, वात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाए। अच्युत, अनंत और गोविंद नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, यह बात मैं सत्य कहता हूँ। स्थावर, जगम अथवा कृत्रिम विष हो या दांत, नख, आकाश तथा भूत आदि से प्रकट होने वाला अत्यंत दुस्सह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर इस रोगी के शरीर में शांत हो जाए। बालक के शरीर में ग्रह, प्रेत ग्रह अथवा अन्यान्य शाकिनी ग्रहों का उपद्रव हो या मुख पर चकते निकल आए हों अथवा रेवती, वृद्ध रेवती तथा वृद्धि का नाम के भयंकर ग्रह, मातृ ग्रह एवं बाल ग्रह पीड़ा दे रहे हों, भगवान श्री विष्णु का चरित्र उन सबको शांत कर देता है। वृद्धों अथवा बालकों पर जो कोई भी ग्रह लगे हों, वे श्री नृसिंह के दर्शन मात्र से तत्काल शांत हो जाते हैं। भयानक दाड़ों के कारण विकराल मुख वाले भगवान नृसिंह दैत्यों को भयभीत करते हैं, उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से दैदीप्यमान मुख वाले महासिंह रूपी नृसिंह, सुंदर मुख और नेत्रों वाले सर्वेश्वर, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो जो रोग, महान उत्पात विष, महान ग्रह क्रूर स्वभाव वाले भूत भयंकर, ग्रह पीड़ाएं हथियार से कटे हुए घावों पर होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े और शरीर के भीतर स्थित रहने वाले ग्रह हों, उन सबको ही त्रिभुवन की रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के विनाशक महातेजस्वी सुदर्शन आप काट डालिए। महान ज्वर, वात रोग, लूता रोग तथा भयानक महाविष को भी आप नष्ट कर दीजिए। असाध्य अमरशूल विष की ज्वाला और गधर्व रोग, ये सब के सब शत्रु हैं। ओम ह्राम ह्राम।
इस बीज मंत्र के साथ तीखी धार वाले कुठार से आप इन शत्रुओं को मार डालें। दूसरों का दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करने वाले परमेश्वर आप भगवान को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हों, उन सब को सबके आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करें। वासुदेव आपको नमस्कार है। आप किसी रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर यह दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। देववर अच्युत, आप दुष्टों का संहार कीजिए। महाचक्र सुदर्शन, भगवान गोविंद के श्रेष्ठ आयुध, तीखी धार और महान वेग वाले शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महाज्वालामय सुदर्शन, भारी आवाज से सबको भयभीत करने वाले चक्र, आप समस्त दुखों और संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर डालिए, उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश और आरोग्य प्रदान कीजिए। महात्मा नरसिंह अपनी गर्जना से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब ओर रक्षा करें। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन भूमि पर और आकाश में पीछे, आगे तथा पार्श्व भाग में रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण विश्व श्री विष्णुमय है। योगेश्वर श्री विष्णु ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इस रोगी का सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेदांगों में भी परमात्मा श्री विष्णु का ही गान किया जाता है। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव इसको सुख देने वाले हों। भगवान वासुदेव के शरीर से प्रकट हुए कुशों के द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया है। इससे शांति हो, कल्याण हो और इसके दुखों का नाश हो जाए। जिसने गोविंद के अपमार्जन स्तोत्र से मार्जन किया है, वह भी यद्यपि साक्षात श्री नारायण का ही स्वरूप है, तथापि सब दुखों की शांति श्री हरि के वचन से ही होती है। श्री मधुसूदन का स्मरण करने पर संपूर्ण दोष, समस्त ग्रह, सभी विष और सारे भूत शांत हो जाते हैं। अभी है श्री हरि के वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाए, शांति हो, कल्याण हो और दुख नष्ट हो जाए। भगवान ऋषिकेश के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा ही इसके स्वास्थ्य की रक्षा रहे। जो पाप जहां से इसके शरीर में आए हों, वे वहीं चले जाएं। यह परम उत्तम अपमार्जन नामक स्तोत्र है। समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले श्री विष्णु भक्त पुरुषों को रोग और पीड़ाओं के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे समस्त दुखों का पूर्णतः नाश हो जाता है। यह सब पापों की शुद्धि का साधन है। श्री विष्णु के अपमार्जन स्तोत्र से आद्र, शुष्क, लघु, स्थूल एवं ब्रह्महत्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है। जिस प्रकार सिंह के भय से छोटे मृग भागते हैं, उसी प्रकार इस स्तोत्र से सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही ग्रह, भूत और पिशाच आदि का नाश हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमाने के लिए कभी इसका उपयोग ना करें। अपमार्जन स्तोत्र का उपयोग करके किसी से भी कुछ नहीं लेना चाहिए। इसी में अपना हित है। आदि, मध्य और अंत का ज्ञान रखने वाले शांतचित श्री विष्णु भक्तों को निस्वार्थ भाव से इस स्तोत्र का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा यह सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान विष्णु का जो अपमार्जन नामक स्तोत्र है, यह मनुष्यों के लिए अनुपम सिद्धि है, रक्षा का परम साधन है और सर्वोत्तम औषधि है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनि को इसका उपदेश दिया था। फिर पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य को इसे सुनाया। दालभ्य ने समस्त प्राणियों का हित करने के लिए इस लोक में प्रकाशित किया। तब से श्री विष्णु का यह अपमार्जन स्तोत्र
तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। यह सब प्रसंग भक्तिपूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने रोग और दोषों का नाश करता है। अपमार्जन नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्र, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विशेष रूप से पाठ करे। जो द्विज एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैं, उनकी आयु, लक्ष्मी और बल की दिन दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्य धन संपत्ति और शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ और श्रवण और जप से भक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती जो इसका पाठ करता है उसे सामवेद का फल होता है। उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। देवी ऐसा जानकर एकाग्रचित से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्र को भोज पत्र पर लिखकर सदा धारण किए रहते हैं, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो इसका एक एक श्लोक पढ़कर भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह तुलसी से पूजन करने पर संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल पा लेता है। यह भगवान विष्णु का स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में जाता है, किंतु जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से स्तोत्र का जप करे। यह रोग और ग्रहों से पीड़ित बालकों के दुख की शांति करने वाला है। इसके पाठ मात्र से भूत, ग्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी की माला पहनकर इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे वैष्णव जानना चाहिए। यह निश्चय ही श्री विष्णु धाम में जाता है। इस लोक का परित्याग करने पर उसे श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो मोहमाया से दूर हो दंभ और तृष्णा का त्याग करके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हैं वे धन्य माने गए हैं। उन्होंने कुल सहित अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है संसार में वे परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वे भागवत अर्थात भगवत भक्त पुरुष के समान ही हैं।